गुड मॉर्निंग डियर ऑल, अवर टुडेज टॉपिक इज़ द ग्रेट हिमालयास पार्ट टू, विच इज़ लेसन नंबर 14 फ्रॉम योर जीके बुक। ओके, सो पार्ट वन में हमने पढ़ लिया था द ग्रेट हिमालयास का जो चैप्टर है उसका जो भी डिटेल था, हिमालय के बारे में क्या है, कैसे होता है, सब चीज़ें पूरी सारी की सारी डिटेल हमने पार्ट वन में पढ़ ली है, ठीक है ना। तो इसकी पार्ट वन की अगर किसी को नहीं मिला हो तो पार्ट वन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ओके। और अब हम क्या कर रहे हैं, पार्ट टू कर रहे हैं। तो पार्ट टू में हम क्या कर रहे हैं, अब जो हिमालय से रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं वो करेंगे, ओके। और एक्सरसाइज के थ्रू हमें हिमालय के बारे में और भी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती रहेंगी, ठीक है ना। तो चलो फटाफट से एक्सरसाइज करते हैं और न्यू न्यू फैक्ट जानते हैं, किसके बारे में, हिमालय के बारे में, ओके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्केलिंग द हाइट्स, ओके। अब देखो हमको इसमें क्या पढ़ना है, हिमालयास में ये पढ़ा रही हूँ, ओके। हिमालयास इज़ द ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ माउंटेनियर्स वर्ल्ड वाइड, नेम दीज एक्सप्लोरर्स, ओके। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हिमालय जो है वो दुनिया भर में क्या बोलना चाहिए, माउंटेनियर्स को हिंदी में बोलते हैं पर्वतरोहियों, मीन्स जो पर्वतरोहियों ही बोलते हैं हिंदी में उनको, ठीक है ना। हिमालय दुनिया भर में माउंटेनियर्स का ड्रीम डेस्टिनेशन है, मींस जो माउंटेन पे चढ़ते हैं ना तो उनका ड्रीम डेस्टिनेशन है कि हमको पूरा चढ़ना है और वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है ना। उनका ड्रीम, उनकी मंजिल जो है, उनका ड्रीम है हिमालय में, हिमालय उनकी क्या है, डेस्टिनेशन है, ड्रीम डेस्टिनेशन, ठीक है ना। तो अब वो ऐसे कौन कौन से लोग हैं, तो उसके नाम, अब एक्सरसाइज में क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं जिसमें आंसर मैंने ऑलरेडी फिल किए हुए हैं, ये रेड कलर से मैं, ये सब आंसर हैं, ये रेड कलर से जो लिखा है ये आंसर है, ठीक है ना। तो इसको रीड करते हैं, जो भी ब्लैंक्स हैं उनको फिल करते हैं, और हिमालय के बारे में थोड़ा और सी हम इंट्रो, जो भी और इसके बारे में नॉलेज है वो लेते हैं, ओके। ओके ओके, सो फर्स्ट इज़, आई होप मैं इसको जूम कर देती हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने जूम किया और सी फर्स्ट, ओके। इन 1953 तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलैरी मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट पर्संस टू कंक्योर माउंट एवरेस्ट। इसका मीनिंग ये होता है कि इन 1953 मींस 1953 ईयर में जो उस टाइम पे सन था, क्या था, 1953, तो क्या नाम था, टेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलैरी, ओके। जो आपका यहाँ पे ब्लैंक था वहाँ पे आंसर आएगा एडमंड हिलैरी, मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन टू कंक्योर माउंट एवरेस्ट। इनने हिस्ट्री बनाई थी, ये दोनों पहले व्यक्ति थे, मींस ये दोनों साथ में पहले व्यक्ति थे जिनने माउंट एवरेस्ट को मैं जाने की हिस्ट्री, इतिहास रचा था, ठीक है ना, वहाँ पे जाकर इतिहास रचा था। कब, 1953 में। क्या नेम है एक बार फिर से देखो, टेंजिंग नोर्गे, ओके सी टेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलैरी, ओके। ये दोनों थे जो सबसे पहले कहाँ गए थे, माउंट एवरेस्ट में जाकर इनने अपना एक हिस्ट्री मेड की थी, ओके। ओके, सो अब हम आते हैं किसमें, अब हम आते हैं नंबर सेकंड, ओके सेकंड में आते हैं अब। ओके, नाउ सेकंड इज डैश, एन इटालियन एक्सप्लोरर हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द फर्स्ट पर्सन टू कंक्योर ऑल द 16 हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके। सो आंसर इज रेनहोल्ड मेसनर, आंसर क्या है, रेनहोल्ड मेसनर। और ये आपका क्वेश्चन, ये जो है ये बोल रहा है कि जो रेनहोल्ड मेसनर थे वो पहले इटालियन एक्सप्लोरर थे, ठीक है ना, पहले इटालियन एक्सप्लोरर थे जिनने रिकॉर्ड बनाया था, क्या रिकॉर्ड बनाया था, कि वो फर्स्ट पर्सन थे जो कि 14 हाईएस्ट माउंटेन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 14 हाईएस्ट माउंटेन में सबसे पहले चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था। किन्होंने बनाया था, रेनहोल्ड मेसनर ने, जो कि क्या थे, इटालियन एक्सप्लोरर थे, ओके। रेनहोल्ड मेसनर इटालियन एक्सप्लोरर थे जिनने क्या किया था, 14 हाईएस्ट माउंटेन में सबसे पहले चढ़ने का एक रिकॉर्ड बनाया था, ओके। रिकॉर्ड मतलब सबसे पहले वही चढ़े थे, उन्हें एक हिस्ट्री मेड कर दी है इसमें, ओके। ओके, नाउ थर्ड, ओके नाउ
थर्ड इज जुंको तबेई इज़ द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वेयर एज डैश इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कंक्योर माउंट एवरेस्ट. अभी मैंने ये रीड किया पूरा, ठीक है, इसको रीड किया मैंने यहाँ तक. ओके, ये क्या बोल रहा है कि जुंको तबेई इज़ द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. जुंको तबेई, देखो जुंको तबेई नाम की एक लेडी हैं, वुमेन हैं, तो इनने क्या सबसे पहले ये माउंट एवरेस्ट में चढ़ी. ओके, सबसे पहले कहाँ चढ़ी, माउंट एवरेस्ट में, लेडी. देखो अब ये मत कहना कि आपने, मैम पहले तो बताया तेंजिंग नोगे एंड एडमुंड हिलरी, ये तो हैं, बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है वुमेन की. अच्छे से पढ़ो, वुमेन की बात हो रही है, ठीक है ना. तो फर्स्ट वुमेन कौन है, जुंको तबेई इज़ द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट. ये सबसे पहले माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी. वेयर एज बच, ये क्या है, बचेंद्री पाल. ओके, बचेंद्री पाल, आपका जो यहाँ पे ब्लैंक था उसमें आंसर आ जाएगा बचेंद्री पाल इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कंक्योर माउंट एवरेस्ट. देखो फर्स्ट लेडी कौन थी, जुंको तबेई, ठीक है ना, वो चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट में. वेयर एज बचेंद्री पाल करके एक लेडी हैं, इंडियन वुमेन है, ठीक है ना. तो हमारी इंडियन वुमेन कौन है जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी, वो है बचेंद्री पाल. सो आंसर इज बचेंद्री पाल. ओके ना, पहली वुमेन कौन थी, जुंको तबेई, जो कि माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले चढ़ी थी. वेयर एज मीन्स, और हमारे जो इंडिया की फर्स्ट लेडी थी जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, वो थी बचेंद्री पाल. क्लियर हुआ ना, ये है इसका थर्ड आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया. ओके, अब हम आते हैं फोर्थ में. ओके, नाउ सी, जूम किया मैंने. फोर्थ इज अपा शेरपा एंड फुरवा ताशी होल्ड द जॉइंट रिकॉर्ड फॉर मोस्ट एवरेस्ट एसेशेंट. द पेयर हैज मैनेज टू रीच द समिट एंड इम्प्रेसिव 21st टाइम्स. देखो ये जो अपा शेप्रा थी और कौन थी, फुरवा ताशी थी, ठीक है ना. कौन, अपा शेरपा, मैं ऐसे बता देती हूँ, अपा शेरपा एंड फुरवा ताशी, ये दोनों वो थे जिनने क्या किया, इनने जॉइंट रिकॉर्ड बनाया है बड़े बड़े माउंटेंस में चढ़ने का, वो भी कितने बार, 21 बार. सोचो 21 बार इन दोनों का रिकॉर्ड है, इनका जॉइंट रिकॉर्ड है. इनने क्या रिकॉर्ड बनाया है, 21 बार बिल्कुल हाईएस्ट माउंटेन में चढ़ने का एक इम्प्रेसिव रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ठीक है ना. तो ये क्लियर हो गया आपको, 1, 1, 2, 3 एंड 4 आंसर आपको ये दिख रहे हैं, फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर, थर्ड आंसर एंड फोर्थ आंसर. ओके ओके, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना. ओके ओके, तो चलो अब मैं आपको क्या बता दूँ, अब मैं आपको ये बता दूँ. अब आप ये बोलोगे कि मैम ने ये इमेजेस के बारे में नहीं बताया, ये इमेजेस बनी है कौन क्या है, ठीक है, चलो इनको देखते हैं कौन कौन है जिनके बारे में पढ़ा ना अभी अपन ने, बस ये वही लोग हैं. ओके चलो, तो पहले आते हैं हम इसमें, फर्स्ट इमेज हमारी क्या है, इस इमेज में आते हैं. ओके, ये कौन है, ये है रेनहोल्ड मेसनर. कौन है ये, रेनहोल्ड मेसनर. ओके, ये है रेनहोल्ड मेसनर. ओके, इनका नेम है रेनहोल्ड मेसनर. ओके नाउ अब आते हैं हम इनके पास, ठीक है, इनके पास आए, पहले सिंगल सिंगल जो इनके पास जाते हैं. अब मैं बात कर रही हूँ इनकी, ये कौन है, ये हैं बचेंद्री पाल. ये हैं बचेंद्री पाल. ओके, ये लेडी हैं एक, ये हैं बचेंद्री पाल, ये हैं इंडियन वुमेन, ठीक है ना, ये हैं इंडियन वुमेन बचेंद्री पाल. ओके ओके, अब आते हैं हम इनके पास, अब हम आते हैं इसमें इनके पास, ठीक है. ये कौन है भाई, ये हैं, मैं इनकी बात कर रही हूँ, ये हैं एपा शेरपा एंड फुरवा ताशी, ठीक है ना, ये दोनों हैं एपा शेरपा एंड फुरवा ताशी, एपा शेरपा एंड फुरवा ताशी, ये दोनों हैं. ओके ओके, अब आते हैं हम लास्ट, अब क्या बचा, अब ये बचे हैं, किस इमेज में आते हैं हम,
इनके पास आए हम। मैं इस इमेज की बात कर रही हूँ, इनका नेम क्या है? इनका नेम है तेंजिंग नोगे एंड एडमंड हिलरी। ओके, तो समझ में आ गया ना कौन क्या है? फिर से एक बार देख लो। फर्स्ट ये हैं रेंडहोल मेसनर, ओके। सेकंड ये हैं एपा शेरपा एंड फुरबा ताशी, ये दोनों हैं तेंजिंग नोगे एंड एडमंड हिलरी, ओके। एंड नाउ लास्ट ये हैं वचेंद्री पाल। ओके, समझ में आ गया ना किस किस की इमेजेस हैं ये? ओके, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट, ठीक है ना? ओके, सो हम यहाँ पे हमारा वीडियो फिनिश करते हैं, ठीक है ना? ये था पार्ट टू किस चैप्टर का? द ग्रेट हिमालयाज। ओके, अब इसका एक पार्ट और बनेगा बेटा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। अभी हमने जीके के एक एक चैप्टर को एक एक दिन में कंप्लीट किया है ना, बट ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो इसमें क्योंकि एक्सरसाइज ज़्यादा है। ओके, तो फर्स्ट में तो हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, आज भी हमने हिमालय के बारे में कुछ कुछ माउंटेनियर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे हमने एक एक्सरसाइज करी, इसमें हमारा पार्ट टू हो गया। क्योंकि ये थोड़ा सा टफ़ भी था, तो एक वीडियो में अभी आप इतना ही समझो। अब हम लास्ट पार्ट इसका बना लेंगे, पार्ट थ्री होगा वो, तो उसमें पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और जो आगे की एक्सरसाइज हैं, ठीक है ना? तो बेटा प्लीज़ ये मत करो कि जीके की बुक है और हमने आंसर फिल कर लिए, ऐसा नहीं। प्लीज़ समझो, क्योंकि इतनी अच्छी नॉलेज मुझे नहीं लगता कहीं और से मिलेगी आपको। आपकी बुक इतनी अच्छी है और प्लस मैं आपको पूरा डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है ना? एक एक वर्ड पढ़ के, एक इमेज दिखा के मैं जितना समझा सकती हूँ सब कुछ कवर कर लेती हूँ मैं वीडियो में, ठीक है ना? इसलिए मेरे वीडियो भी लेंदी होते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ के रीड करके छोड़ नहीं सकती, मेरे को समझाना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है ना? मैं चाहूँ तो एक्सरसाइज में बता दूँ ये आंसर है और आप लोग फिल कर लोगे, बट मेरा ये है कि आप लोग समझो उस चीज़ को, ठीक है ना? आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि हम अगर घर में हैं तो ये नहीं लगना चाहिए कि हम घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। जब भी मेरा वीडियो देखो, मैं यही चाहती हूँ कि आपको यही फील आए कि आप स्कूल में हो, मैम आपको स्कूल में पढ़ा रही हैं, ठीक है ना? अब हम इसका पार्ट थर्ड करेंगे, जो कि लास्ट पार्ट होगा हमारा, और उसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? और एक्सरसाइज प्लीज़ कॉपी में भी करते जाना साथ साथ में। ओके ओके, नाउ बाय बाय, थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।